व्हाट्सअप गाइस, तो आज का वीडियो होने वाला है मिस्टेक के बारे में। अगर आप अपने DSLR से फोटो कैप्चर करते हैं, कुछ मिस्टेक करते हैं, बिगनर हैं या बहुत सालों से फोटो ले रहे हैं, तो इस मिस्टेक को अगर आप सुधार लेते हैं और आपकी फ़ोटो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो इस वीडियो में 5 मिस्टेक के बारे में बात करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा और मिस्टेक ये दोबारा कभी भी मत करिएगा। तो ज़्यादा आपका समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, जो पहला मिस्टेक है लगभग सभी लोग करते हैं, अपने DSLR से जब भी फ़ोटो लेने जाते हैं और जल्दी जल्दी फ़ोटो के कर में वो अपने आई लेवल से फ़ोटो ले लेते हैं और उन्हें पता नहीं रहता कि इससे भी बढ़िया फ़ोटो ले सकते हैं, जबकि अपना एंगल चेंज करके। जब आप एंगल चेंज करते हैं, जैसे कि ऊपर से या बहुत ज़्यादा नीचे से, तो और भी ज़्यादा गजब की फ़ोटो आएगी। यहाँ पर मैं आपको कुछ फ़ोटो दिखा देता हूँ जो आई लेवल से लिया गया है और कुछ फ़ोटो लिया गया एंगल चेंज करके। तो दोनों में से बेस्ट आपको वही लगेगा जो एंगल चेंज करके लिया गया है। अब जो नेक्स्ट मिस्टेक है ये है वाइट एंगल। और जब भी आप फोटो लेते हैं लगभग सभी लोग वाइट एंगल ले लेते हैं और सोचते हैं कि सब्जेक्ट को मैं क्रॉप करके अच्छे से दिखा सकता हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो पिक्सल है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और फ़ोटो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। हो सके दोस्तों जितना आप फ्रेम चाहते हैं फ़ोटो का उतना ही पहले ही कैप्चर कर लीजिए अपने कैमरे से, नहीं दोबारा अगर आप एडिट करते हैं तो बहुत ही बकवास फ़ोटो दिखती है। ओके, अब बढ़ते हैं तीसरे मिस्टेक की ओर। ये है बैकग्राउंड को ज़्यादा ब्राइट बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपका जो सब्जेक्ट है अंडर एक्सपोज है और बैकग्राउंड जो है ओवर एक्सपोज है, तो समझ लीजिए कि फ़ोटो बहुत ही अच्छी आपकी दिखेगी नहीं। अगर आपको अच्छी फ़ोटो चाहिए तो इसका अपोजिट कह सकते हैं, मतलब कि सब्जेक्ट को ज़्यादा लाइट दीजिएगा और बैकग्राउंड को कम लाइट दीजिएगा। अगर आप ऐसी जगह पर है जहाँ पर सनलाइट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसी जगह फ़ोटो कैप्चर करिएगा जहाँ पर बहुत ही कम लाइट हो और आपके सब्जेक्ट पर अच्छे से लाइट पड़ सके। नहीं दोस्तों, आप दूसरे लाइट का यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट पर लाइट डालने के लिए। और जो अगला मिस्टेक है ये है दोस्तों फ़ोटो को बिल्कुल सेंटर में रखना। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप फ़ोटो मेरी लेते हैं तो यहाँ पर मैं बिल्कुल सेंटर पे हूँ, तो ये मिस्टेक है। तो ये चीज़ लगभग सभी लोग करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हल्का यहाँ पर लेफ्ट या राइट, जो कि रूल ऑफ थर्ड से फ़ोटो लेंगे तो आपके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है और क्या स्टोरी बन रही है ये सब नज़र आएगा। अगर आप रूल ऑफ थर्ड की मदद से फ़ोटो लेते हैं तो बहुत ही कम बंदे होते हैं इसको यूज करते हैं रूल ऑफ थर्ड को। आप बिल्कुल भी सेंटर में मत लीजिएगा, एक कुछ नया ट्राई करिएगा। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं लास्ट टिप्स की ओर। टिप्स नहीं है दोस्तों, ये भी लगभग सभी लोग मिस्टेक करते हैं, वो दोस्तों सीधा सीधा फ़ोटो ले लेते हैं और क्रिएटिव नहीं सोचते हैं। मतलब कि अपने फ़ोटो में कुछ क्रिएटिव डालने के लिए, जैसे कि आप कहीं पर पार्क में या दोस्तों पर घूमने जा रहे हैं, वहाँ पर जो भी आपको नज़र आता है उसके ज़रिए आप क्रिएटिव फ़ोटो ले सकते हैं। एंगल चेंज करके लिप्स को अपने सब्जेक्ट को पास रख, और बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको नज़र आती हैं आसपास में, और वहाँ से क्रिएटिव लेकर अपने फ़ोटो को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। बस दोस्तों वीडियो में इतना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।